स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 को, जो कि है द जंक सेलर। और इस वीडियो का जो उनका टॉपिक है वो है हाउ मच विल जेनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक। पिछले वीडियो का जो उनका टॉपिक था वो था स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। तो अब से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज ₹12। 1 kg प्लास्टिक का कितना रुपीज़ है, यानी कि धेनु के रेट लिस्ट में ₹12 है। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 12 × 63। तो 63 kg प्लास्टिक के लिए हम कैसे निकालेंगे रेट, 12 × 63 करके, यानी कि 12 में 63 को मल्टीप्लाई करके। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या है 12 × 63, ठीक है। तो 3 × 2 कितना होता है, 3 × 2 = 6 होता है। 3 × 1 कितना होता है, 3 होता है, नीचे क्रॉस लगा देंगे। 6 × 2 कितना होता है, 12 होता है, 12 का 2 और 1 कैरी। 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है और एक कैरी है, तो 7। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 6 से नीचे क्रॉस है तो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। और 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, और 7 का 7, तो कितना आ रहा है आंसर, 756 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 756, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद फिर है रिमेंबर यू यूज बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर इन क्लास 3। याद कीजिए कि आप बॉक्स का यूज़ करते थे मल्टीप्लाई करने के लिए क्लास 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दिया है। तो कैसे करते थे, एक बॉक्स दिया होता था कुछ इस तरीके से। तो कैसे है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है। तो 60 में अगर हम 60 × 10 कितना होता है, 600। 3 × 10 कितना होता है, 30। फिर 60 × 2 कितना होता है, 120। और 3 × 2 तो हम सबको पता है कि 6 होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम खुद से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 60 × 10, देखो 0 और 0 का कितना होता है, 0 होता है, 0 6 0, नीचे क्रॉस। फिर 1 0 से कितना होता है, 0 होता है, 6 1 से कितना होता है, 6 होता है। अब इनको ऐड करते हैं, 0 नीचे क्रॉस है, 0 0 0 0, और यहाँ पे 6 का 6, यानी कि 600। पहला का हमने आंसर निकाल लिया, सही है। उसके बाद फिर दूसरा करते हैं, 3 × 10, ठीक है। तो 3 × 10 कर लेते हैं, 3 × 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो देखिए 0 × 0 और 3 कितना होता है, यानी कि 0 3 से कितना होता है, 0 होता है, और 3 1 से कितना होता है, 3 होता है, नीचे क्रॉस लगाएंगे। फिर मतलब नीचे क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 ही नंबर का दिया है। तो कितना आ रहा है, 30। तो यहाँ पे भी 30 है, यानी कि ये भी सही है। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा है कि 60 × 2, तो 60 × 2 कर देंगे हम, ठीक है। तो 2 है और 0 है, तो 2 0 से कितना होता है, 0 होता है, 2 6 से कितना होता है, चाहे 6 2 से कितना होता है, 6 2 से होता है 12, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 120, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 3 × 2, तो 3 × 2 तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए 3 × 2, तो 3 × 2 से कितना होता है, 6 होता है, तो ये भी सही है।
अब यहाँ पे हमें दिनों का रेट लिस्ट दिया है हमने अपने पिछले वाले वीडियो में जो किरण का रेट लिस्ट था कि रेट लिस्ट उसमें लिखा था ना किरण से रेट लिस्ट लिखा था ना दिनों से रेट लिस्ट। तो ये दिनों का रेट लिस्ट है। तो दिनों के रेट लिस्ट में क्या है वो देखते हैं। न्यूज़पेपर कितने रुपीज़ का है? न्यूज़पेपर 1 kg मतलब 1 kg का इसमें दिया है। तो न्यूज़पेपर कितने रुपीज़ का है? 6 rupees का। आयरन कितने रुपीज़ का है? 14 rupees का है। ब्रास 180 rupees का है। और प्लास्टिक कितने रुपीज़ का है? 12। और वेस्ट पेपर कितने रुपीज़ का है? 4.50 यानी कि 4.50 rupees। ठीक है, 50 paisa। यह हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, रीनू एडेड द नंबर इन द बॉक्स। ये जो दिया था नंबर बॉक्स वाला उसको जो दिनू था उसने ऐड किया। तो देखिए ऐड किया उसने तो क्या आया, 0, 0, 0 और 6 थे। तो हम 6 में 3 times 0 को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 6 आता है। और 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। 5 में हम 0 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा क्योंकि 0 कुछ नहीं होता। 6 और 1 को ऐड करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 756। और अगर हमने इसका निकाला था किसका, 12 into 63 का, तब भी आंसर क्या आया था? 756 आया था। अब हम दूसरा देखते हैं। अगला है 12 into 63 मीन्स 12 times 63। 12 into 63 मतलब 12 times यानी कि 12 times 63 होता है। 12 times 60 is 720 और 12 times 60 कितना होता है? 720 होता है। सो द आंसर इज मोर देन 720 और जो आंसर है वो 720 से ज़्यादा है। ऑल्सो द आंसर इज लेस देन 800 और आंसर लेस 800 से कम भी है। कैन यू टेल व्हाई? क्या आप बता सकते हैं क्यों? हाँ ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि 756 से मतलब 756 से कम क्या होता है? 720। लेकिन 756 से ज़्यादा होता है 800। ठीक है, अब ये हमने जान लिया। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है वो हम जान लेते हैं। सो फॉर 63 kg प्लास्टिक दिनू विल पे रुपीज़ 756। मतलब जो 63 kg प्लास्टिक है उसके लिए दिनू किरण को कितने रुपीज़ पे करेगा? 756 rupees पे करेगा। किरण बोथ 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। किरण ने 1 kg प्लास्टिक लिया था 10 rupees में। ठीक है, और हमने रेट लिस्ट में लिखा दिखा मतलब रेट लिस्ट में भी देखा था कि 1 kg प्लास्टिक का रेट कितना था? ₹10 था। बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। लेकिन किरण ने कितने रुपए में उसको सेल किया दिनू के बिग शॉप पे? ₹12 में। और उसके रेट लिस्ट में भी लिखा था ₹12। ठीक है, हाउ मच मनी डज सी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक रुपीज? तो उसने 1 kg प्लास्टिक सेल किया था तो उसने कितने रुपए कमा लिए उससे? ₹12। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। सो हाउ मच मनी डज सी अर्न फॉर 63 kg? तो 63 kg प्लास्टिक के लिए वो कितना रुपया कमाएगी? तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो 63 का हम 12 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, हम पहले ही कर चुके हैं। तो आंसर कितना आया था? 756। तो यहाँ पे हम 756 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने जान लिया इस वीडियो में। तो इसी के साथ ये जो उनका वीडियो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।